के चार बंदर, ये चालू हो गया। और मैं अभी आ चुका हूँ इस आम के बागीचे में। ये देखिए मेरे पीछे ऐसा फूल आया हुआ है ना पेड़ों पे, अभी इस पे दवा छिड़कने आ रहे हैं ये अरसद साहब। ये देखो ये मशीन लेके आए हैं, ये लोग चालू कर रहे हैं। तो पेट्रोल वाला इंजन है, उससे पता नहीं कैसे वो दवा छिड़केंगे। अभी फ़िलहाल ये चालू कर रहे हैं, चालू नहीं हो रही है। इसको भाड़े पे लेके आए शायद, है ना? हाँ भाड़े पर लेकर आए। ये एक घंटे का कितना लेता है? 200। एक दिन का 200 लिया है। अच्छा, एक दिन के लिए मिला ये 200 रुपये रेंट है इसका, प्लस पेट्रोल भी। पेट्रोल भी देता हो? नहीं, हम लोगों का। हाँ तो पेट्रोल तो अपना ही रहेगा, वो तो इंजन देगा ना सिर्फ। हाँ, इंजन का 200। अब जिसके पास ज़्यादा पेड़ है उसके लिए फ़ायदा है, जिसके पास एक दो है तो उसके लिए भी फ़ायदा ही है। जल्दी जल्दी हो जाता ना, क्योंकि पहले आता था वो हैंडल वाला, ऐसे करते थे वो है नहीं दिखाता ना। ये इंजन चालू। आप ये है फूल जो आम के पेड़ में, ये फूल लगा हुआ है ना। अब यही फूल मतलब फिर आम बनेगा। अब कैसे बनेगा? इसमें से निकलेंगे छोटे छोटे टिकोरा बोलते हैं, पहले टिकोरा बनेगा उसके बाद बड़ा आम बनेगा। यहाँ टिकोरा बोलते हैं, मतलब वही आम ही होता है लेकिन छोटा होता है, छोटा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। ये पानी लेके आ रहे हैं, अब इसके अंदर पानी अभी ना मार, इसमें लोग पानी भर रहे हैं। आधा टैंक भरा है, आधा भरा है, अभी धीरे धीरे भी डाल देना, ये भर जाएगा। इसके अंदर फिर दवा मिलाएंगे। ये देखें, इसमें पेट्रोल भी लगता है ना। पेट्रोल है पहले से, लेकिन उसमें और डाल रहा है थोड़ा, छोटा सा पेट्रोल थोड़ा सा, क्योंकि उसने दिया हुआ तो उसका पेट्रोल तो वापस देंगे ना, जितना था। उनको अपना काम करना तो अपना पेट्रोल तो डालना ही है। ये जनाब देखो, ये बना रहे हैं दवा। दूसरा लाउट करिए, देखा कि और कौन ये दवा है। ये देखिए ग्रीन कलर का पेंट बन गया। अरे यार तू अच्छा ही। और ये चालू हो गया, काफी स्पीड है। जुगाड़ अभी ये साइकिल के ऊपर रखेंगे ना, ताकि घुमा घुमा के फिर दबा मारे चारों पेड़ के चारों तरफ। ये जनाब देखें चालू हो गया इनका, लेकिन पहले उस तरफ थे हम लोग, उस तरफ, अभी इस तरफ आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ जो छोटे हैं ना, पर पहले यहाँ मारेंगे और उसके बाद वहाँ मारेंगे। लेकिन यार टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है इसकी, ये जो मशीन है ना एक नंबर है, क्योंकि काम जल्दी जल्दी होता है इससे। किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद चीज़ है, काफी फोर्स भी इसके अंदर। ऊपर तक जाए तो ऊपर तक। ये जनाब देखो, वहां से जो सामने दिख रहा है ना आपको, वहां से चल के ऐसे 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 फिर यहाँ पहुंचे हैं अभी, और फिर अभी यहाँ तक आए हैं। साइड से हो गया पूरा साइड से हो गया। अभी ये अंदर घुसे, कहाँ गया उधर, अभी बीच में से मारेंगे क्योंकि अंदर बाकी है ना। साइड का तो हो गया, अभी यहाँ से मारेंगे अंदर। जो बना है ना ये देखें, ये लोटा है, ये लोटा भर के ये दो लोटा बनाया है दवा। बाकी इसके अंदर
ये है कितने पैकेट थे, एक तो तीन पैकेट ये वाले, तीन पैकेट ये वाले थे, तीन ये थे और तीन ये, मतलब तीन तीन छः तीन नौ पैकेट ये मेरे सामने है। ये नौ पैकेट जो है ना 50 लीटर पानी में बनाया है, मतलब दो टंकी, जो टंकी आपको नज़र आ रही है वो टंकी 25 लीटर की एक टंकी है, तो दो टंकी के लिए, दो टंकी के लिए दवा है। अभी एक टंकी उन्होंने ख़त्म कर दिया, अभी एक टंकी ये जो बचा है ना, एक टंकी के लिए दवा है ये वाला, ये एक टंकी के लिए, तो इसमें फिर पलटी करेंगे, उसमें पानी डालेंगे और फिर मारना स्टार्ट। मतलब कितने पेड़ हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ पेड़ हैं टोटल, आठ पेड़ में दो टंकी दवा लग गई, मतलब 50 लीटर, 50 लीटर पानी में दो टंकी दवा बनी है। बाकी ये वीडियो देख के शायद आपको भी समझ में आ जाए, अगर आपके पास भी पेड़ हैं आम के तो आप भी मार सकते हैं दवा, मतलब आठ पेड़ में 50 लीटर पानी और तीन तीन छः तीन नौ, नौ पैकेट दवा थी। बाकी वो तो आप दवा की दुकान पे आके खुद पूछ सकते हैं ना, कौन सी दवा पेड़ के लिए बेहतर है, किस लिए आप मार रहे हैं, मतलब वो जो फूल निकल रहे हैं उसके उसके लिए चाहिए, या पेड़ में आपके फूल नहीं आ रहे हैं, या क्या नाम फूल रोकने के लिए दवा चाहिए, अलग अलग तरह की दवा आती है ना, तो आप अपने हिसाब से जाके लेंगे। तो यही है दोस्तों, हो सकता है आप इसे सीख भी जाएं कैसे आपको दवा मारनी है आम के पेड़ में। अब इससे आम, मतलब होता क्या है, आम भी ज़्यादा आते हैं ये दवा मारने से, अब जो आपके फूल है फूल भी रुके रहेंगे दवा मारने की वजह से, अगर दवा नहीं मारेंगे तो फूल जो है झड़ जाते हैं, लेकिन जब दवा मार देते हैं तो फूल झड़ता नहीं है, फूल रुका रहता है, फिर तो फिर आम भी मतलब अच्छे खासी तादाद में पैदा होते हैं आम। ये देखो बच्चा पार्टी क्या कर रही है, ये हमारे रेहान साहब देखो उल्टा लटक रहे हैं। ये लोग अभी भी नहीं, आज संडे आते छुट्टी थी, सारे पता नहीं कहाँ थे, अभी अभी सारे इकट्ठा हो गए फिर से आके। ये हमारा गांव छोटा सा, बाकी इस तरफ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हरियाली हरियाली नजर आ रही बस, और यहाँ ओम फोन नजर आ रहे हैं, ओम फोन ओम फोन। अरे पठान क्या बोलते है, वारिस पठान सॉरी। ये देखो हमारे रेहान मियां क्या कर रहे हैं, गिरा तो हाथ पर जाएगा जरूर, वही आराम से। ये बंदर की तरह देखो लटक रहा है, रेहान बंदर बन गया भाई बंदर। ये देखो हमारे बापू के चार बंदर, ये देखो कैसे लटके हैं दोस्तों। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।